तो बगैर मंदिर में जा रहे थे लोग बगैर प्राण प्रतिष्ठान के, अगर प्राण प्रतिष्ठान हुआ होगा तभी मंदिर में लोग जा रहे थे, उसको इतना प्रचार किया गया मंदिर मंदिर, और फिर क्या हुआ प्रचार का नतीजा। मैं थोड़े दुख के साथ कहता हूं, मैं तो पार्टी में बहुत सारा रहा हूं, मैं अपने भक्तों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं पहचानता हूं। जब पहली बार टूरिस्ट लोग गए वहां पे इतने प्रचार के बाद, तो आपको सुन के खासकर इंटरनेशनल का ताज्जुब होगा, पहले 5 लाख लोग पहुंचे, 5 लाख। हालांकि मंदिर निर्माण में देखा होगा किसान नहीं थे, गरीब नहीं थे, आम इंसान नहीं थे, बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग थे, उनको बुलाया गया था, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को बुलाया गया था, बड़े बड़े कलाकार लोगों को बुलाया गया था, स्टार लोगों को बुलाया गया था, आम आदमी को नहीं बुलाया गया। इतना प्रचार के बावजूद सर आप भी सुनिए गौर से, पहले दिन 5 लाख लोग पहुंचे वहां पर अपने प्रचार के बाद, दूसरे तीसरे दिन 3 लाख, संख्या बहुत कम हो गई, उसके 2-3 दिन बाद 2 लाख फिर आ गए, और उसके 2-3 दिन बाद 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, और अभी तो 1000-2000 लोग जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि शंकराचार्य जहां नहीं पहुंचे मंदिर पूरा नहीं है, उससे आप अपनी पब्लिसिटी के लिए इतना ड्रामा कर दिया आपने वहां पर। किसान सड़क पे हाहाकार कर रहे हैं, किसानों को आपने कहा था नक्शा फैलाने और सबसे पहला राशन सौ फसी, इसलिए मैं समझ रहा हूं मौसम थोड़ा ठीक नहीं है और देरी हो चुकी है, तो कंक्लूड को ज्यादा लंबी बात नहीं करते, मैं तो यही हूं, फिर आऊंगा, कई बार आऊंगा, जैसे मैं हर बार आसनसोल जीतने के बाद हर महीने कम से कम 3 बार आता रहा हूं। कोई भी यहां का फंक्शन हो, चाहे दुर्गा पूजा हो कि ईद हो कि छठ हो, छठ मैया का त्यौहार हो, या फिर क्रिसमस हो, बकरीद हो, रोजा इफ्तार हो, पूरा आता रहा हूं, सब ने देखा है कॉलेज का। अभी भी 7-8 दिन पहले था, फिर आ गया, फिर 7-8 दिन बाद जाऊंगा, फिर 7-8 दिन बाद जाऊंगा। जब आपने मुझे अपना परिवार माना है और इतना बहुमत से जीत दिलाई है, तो मैं भी आपको अपना घर मानता हूं, और कसम खाई है कि आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूं। आपने एक नया अध्याय मेरे जीवन में शुरू कर दिया, और नया अध्याय पर कहता हूं, ये जो बाबू सुप्रियो कह रहे थे मंदिर की बात कर रहे थे, 1000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया मंदिर के प्रचार पे, ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री है, सिर्फ प्रचार करते रहते हैं, वो काम कब करते हैं। मेरे दोस्त हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काम कब करते हैं, जब देखो तो प्रचार करते रहते हैं, कभी पार्षद का, कभी एमएलए का, कभी एमपी का, फ्री का हवाई जहाज उड़ा गया, घूमते ही है, जहां जहां देखो प्रचार करते हैं। और इतना मंदिर, जो मंदिर में स्वास्थ्य श्रद्धा है, ठीक बाबू सुखू ने ठीक कहा, लेकिन हम नतमस्तक होकर संपूर्ण सम्मान के साथ कहते हैं कि जिस मंदिर को अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 4 शंकराचार्य लोगों ने वहां जाने से मना कर दिया कि नहीं इस तरह का नहीं होता उद्घाटन, ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये गलत हुआ है। और ऊपर से एक बात आप भी सोचना, प्राण प्रतिष्ठान, प्राण प्रतिष्ठान है, अभी तक जो मंदिर था मंदिर तो था ना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।